कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमेजिंग पॉइंट। आज हम हैं डॉक्टर सर सैयद अहमद साहब के घर पे, जो कि है एएमयू में। ये वही सर सैयद अहमद साहब हैं जिन्होंने एएमयू की स्थापना की थी, और आज जो एएमयू आप देखते हैं, एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो उन्हीं की देन है। तो आज हम उनके घर जाएंगे और देखेंगे कि अंदर क्या है, कैसे है। तो आइए चलते हैं उनके घर। सर सैयद साहब का जन्म 17 अक्टूबर सन 1817 को दिल्ली में हुआ था, और उनकी जो मृत्यु है वो हुई थी मार्च के महीने में सन 1898 ईस्वी में। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की, जो कि आज एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई है। हम इस समय उन्हीं के इस घर में हैं, जहां पर रखी हैं बहुत सारी किताबें, उनकी पुरानी यादें, उनके बहुत सारे चित्र, उनकी कही गई बातें जो काफ़ी अनमोल थी, जो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के बारे में भी कही थी, उसका भी नोटिस यहां पर लगा हुआ है। आप इस म्यूजियम में घूम घूम के देख सकते हैं। यहाँ पर उनका मिलेगा सोफ़ा सेट, उनका पुराना सामान भी आपको यहाँ पर रखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आप घूम के देख सकते हैं उनके सोफ़ा सेट को और पूरे म्यूजियम को। ये उनका घर था, जो कि आज बना दिया गया है एक म्यूजियम। आप इसमें घूम घूम के देख सकते हैं बहुत सारी पुरानी चीज़ें, बहुत सारे राजाओं की तस्वीरें, जो उनके हम सफ़र रहा करते थे उनके पढ़ाई के ज़माने में, या और भी बहुत मौक़ों पर रहते थे उनके हम सफ़र। बहुत सारे उनके चित्र मिलेंगे यहाँ पर इस म्यूजियम में, नए पुराने, कलर ब्लैक एंड वाइट, सब तरह के आपको चित्र यहाँ पर उनके मिलेंगे देखने के लिए। यहाँ पर एक हॉल भी है जिसमें एएमयू के सभी 22 चांसलर के फ़ोटो लगे हुए हैं। उन फोटो को भी आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी दीवारों पर वो फ़ोटो लगे हुए हैं। और यहाँ पर बहुत पुराने लोगों के तस्वीरें भी हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के बनाने में उनकी सहायता की थी, स्थापना में उनकी मदद की थी। ये यूनिवर्सिटी आज बहुत फेमस हो चुकी है इंडिया में, बहुत अव्वल दर्जे की यूनिवर्सिटी मानी जाती है ये। इस यूनिवर्सिटी में देश विदेश से भी लोग स्टडी के लिए आते हैं। आज ये उनका घर म्यूजियम बना दिया गया है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, लेकिन एक ज़माना था जब सैयद साहब यहाँ पर रहते थे, लेकिन आज ये म्यूजियम है, ये सभी लोगों के लिए खुला है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है और इस म्यूजियम में घूम सकता है, इस म्यूजियम में भ्रमण कर सकता है, यहाँ पर उनकी नई पुरानी यादों को देख सकता है, उनके फोटोग्राफ्स को देख सकता है, कुछ उनकी कही गई बातों को भी देख सकता है। कोई भी जो पुराने लोग थे वो उनके साथ यहाँ पर होने के प्रमाण मिलते हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ पर हैं। कुछ कॉन्फ्रेंस टाइप के हॉल भी हैं, छोटे छोटे से, जहाँ पर कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, वहाँ पर लोग बैठ सकते हैं और बैठ के बातचीत कर सकते हैं, और कर सकते हैं बहुत सारी बातें। यहाँ पर उनकी पुरानी शेरवानी भी मिलती है। इस शेरवानी को पहनकर कभी एक ज़माने में वो यहाँ यूनिवर्सिटी में घूमा करते थे, लेकिन आज इनकी शेरवानी ये इन्हीं के घर में एक म्यूजियम में कांच के फ्रेम में है। ये वही हॉल है जहाँ पर यूनिवर्सिटी के सभी 22 चांसलर के फ़ोटो लगे हुए हैं, जो यहाँ पर रह चुके हैं
और सारा का सारा लिखा हुआ है किस सन से किस सन तक ये यहाँ पर वाइस चांसलर रहे थे। तो इसके बाहर इनका पुराना गार्डन भी है। साहब के घर के बाहर का ये गार्डन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।